होटल हाउसकीपिंग स्टाफ की इस लड़की को क्लीनिंग के दौरान एक पाउच मिलता है जिससे एक अजीब चीज नीचे गिरती है। जैसी उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है अचानक वह रहस्यमय तरीके से 14th फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाती है जिससे उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। होटल का पूरा स्टाफ भी ये सब देखकर काफी हैरान था कि आखिरकार ये लड़की बिना सीलिंग टूटे नीचे कैसे आ गई। जिसके बाद एक CIA की टीम वहाँ पहुँचती है और वह उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को हवा में तैरता देख काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद वह उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को एक लैब में टेस्ट करने के लिए ले जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तो है ही नहीं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेहद ही एडवांस थी जिसे आज के जमाने में बना पाना एक नामुमकिन काम है। तो सवाल ये था कि ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट हमारी धरती पर आई कैसे। CIA की टीम को अगले ही दिन एक और मिस्टीरियस केस देखने को मिलता है जहाँ एक औरत की बॉडी रहस्यमय तरीके से हवा में तैर रही थी। ये आदमी जैसे ही इस औरत के कपड़ों को उस तार से अलग करता है उस औरत की बॉडी हवा के साथ एक डायरेक्शन में फ्लोट करना शुरू कर देती है जिसके बाद वे सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। आगे इन सभी लोगों को ऐसा दिखता है जिसे देखकर वे सभी बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। आगे और भी बहुत सी डेड बॉडीज थी जो कि रहस्यमय तरीके से एक जगह पर गोल गोल घूम रही थी जैसे वहाँ किसी तरह की रहस्यमय मैग्नेटिक फील्ड हो।